तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। फिर सब सब कैसे हो गए थे हमारे यूट्यूब चैनल से गेमिंग पे। तो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद फाइनली वीडियो आ चुका है सारे के सारे भाई लोग। तो फाइनली गाइस माइनक्राफ्ट का पार्ट 6 आ चुका है जावा एडिशन का। एंड आप लोगों को शायद पता ही होगा, भूल ना गए हो आप लोग, तो पिछले वाले वीडियो पे हम लोगों ने बनाया था कि ट्रेडिंग हॉल, जो विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल होता है, तो आप लोग सामने देख सकते हो ये रहा हमारा वही ट्रेडिंग हॉल। तो गाइस आज हम लोग बिना माइनिंग के फुल डायमंड आर्मर एंड स्वॉर्ड लेने वाले हैं, वो भी बिना माइनिंग पे, वो भी फुल एन्चेंटेड वाला। तो गाइस अभी हम लोग इसके अंदर जाके भी दिखा देते हैं कि है कैसा। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग हॉल और ये रहा सारे के सारे विलेजर्स। वही बच्चे से बड़ा कब हो गया बे। ओके तो छत ऐसा है, अंडरग्राउंड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लोग सोते हैं। यहाँ पे भाई पानी वाला सीन कैसा लग रहा है बताना जरूर। ओके तो अभी ऊपर चल के देखते हैं ये विलेजर्स लोग क्या क्या दे रहा है। पहले तो ये क्या दे रहा है भाई, बुक। भाई बुक दे रहा है स्वाइपिंग एज 3। अरे ये क्या बुक था मेरे को पता नहीं है, अगर पता है तो कमेंट कर देना। ओके अब देखते हैं इसको भाई वेपन स्मिथर को। ओह 15 कोल में एमरल्ड, ये भी सेम आर्मरर और स्मिथर जो है 15 कोल में एक एमरल्ड गाइस दे रहा है। एंड इसको इसके साथ एक ट्रेड कर ले तो एक एमरल्ड। और ये क्या दे रहा है वे फार्मर, ओ भाई साहब एक एमरल्ड से 6 वेड, ओ भाई बहुत ही सही कुछ दे रहा है। एंड और भी विलेजेस को मैं लाने वाला हूँ। एंड उससे पहले गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है इस लाइब्रेरियन को हमें अपग्रेडेड करना पड़ेगा, मतलब अपग्रेडेड नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है ना मतलब एक्स लेके मैं इसका टेबल तोड़ देता हूँ। एंड अब देते हैं इसको एक अच्छा खासा, मेरे को बुक चाहिए। अब क्या दे रहा है स्माइट 3, यार गंदा बुक नहीं चाहिए स्माइट 3। ओके तो मेरे को और भी सारा कुछ चाहिए। चलो गाइस मैं फटाफट से इसको चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस इतना चेंज करने के बाद ये बंदा बस हट तो जा सामने। ओके तो गाइस देखो इतना चेंज करने के बाद भी कुछ नहीं दे रहा। अभी देखता हूँ क्या फेदर फॉलिंग वन। बे घंटा मेरा नहीं चाहिए, हटा ले तेरा बुक भाई। क्या है फ्लेम दे रहा है इतने, नहीं चलो बाय। ओए ये लोग क्या, अबे इधर आ तेरे को चेंज कर बे साले तू। ओके गाइस इन लोगों का तो मैं समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मैं काम करता हूँ, मैं जाके कोल इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कोल से हमें मिलेगा बहुत सारा एमरल्ड एंड वो लोग अपग्रेडेड भी होगा। बेसिकली हमें ना वो वेपन स्मिथर को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा और आर्मरर को। आर्मरर अगर मैक्स होता है तो भाई वो सारा का सारा आर्मर देगा डायमंड का। और यहाँ पे कुछ आयरन ठीक है। एंड जो वेपन स्मिथर है ना मेरे को लग रहा है वो मतलब हाँ 4 आयरन इनगट से देगा एक एमरल्ड। ओके तो गाइस ये हमारा आ चुका है पुराना वाला रविन और इसके अंदर मैंने देखा था बहुत सारा कोल। तो चलो अभी चलते एमएलजी करके नीचे एंड बहुत सारा कोल को डिग कर लेते हैं। तो चलो तो गाइस यहाँ पे फाइनली हमें कोल मिल चुका है। चलो गाइस फटाफट से इस कोल को माइन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल मिला है एंड यहाँ पे नीचे हमें जाना पड़ेगा। नीचे कोल है, ऊपर कोल है, हर जगह कोल है गाइस। ओके तो गाइस फटाफट से हम लोग इस कोल को माइन कर लेते हैं। ओके ओके तो गाइस फाइनली हमें बहुत सारा कोल मिल चुका है, मतलब बहुत सारा नहीं थोड़ा बहुत कोल मिल चुका है। अभी हमें इस रविन से निकलना पड़ेगा एंड जाते जाते एक स्केलेटन मिल जाता है, बट छोड़ो हमें जल्दी से जाके पहले सोना है। और ये हो गया सुबह। ओके तो अभी थोड़ा सा हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद फटाक से चलते हैं हमारे विलेजर्स के पास। ओके गाइस तो गाइस यहाँ पे है ये, हेलो गुड मॉर्निंग भाई लोग। ओए पहले से एमरल दिखा रहा है, चलो ट्रेड कर लेते हैं इसके साथ, पूरा ट्रेड कर लेते हैं। ओके और दे रहा है नहीं एक और। ओए गोलेम, ओ भाई गोलेम स्पॉन हो गया। ओ भाई बहुत बढ़िया गोलेम आ रहा है, मतलब हमारे लक से सही हो रहा है। एंड बच्चे भी आ चुका है बहुत बढ़िया, बट हम गोलेम को मारने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कोई सपोक्रेट हो जाए या कोई ग्लिच होके मर जाए, तो ये ऑब्वियसली गोलेम के लिए नहीं है। और ये क्या नॉक बैक 2 दे रहा है, ओ भाई बहुत ही बढ़िया। ओके तो चलो गाइस हम क्या करते हैं, हम लोग ना एक काम करते हैं, इस गोलेम को पहले मैं मार ही देता हूँ। चल निकल, तेरा जगह नहीं है, तेरा जगह बाहर है भाई, तो विलेज में जा। यहाँ क्या कर रहा है पे साले, तेरे को मैं तो यू वे मार कैसे रहा है, इतना दूर उसका हाथ कैसे आ रहा है, वही बच्ची गिर गया कहाँ से। ओके चला जा आप दिखाता हूँ तू। ओके
ओके गाइस, मैं गोलेम के हाथों मर चुका हूँ, मतलब मैं बहुत ही बड़ा नूब हूँ, और इस गोलेम को मैं बाद में देखूंगा, पहले यार मेरा सारा सामान सेटअप कर लेता हूँ। एंड ये क्या दे रहा है, ओए एक मिनट, कोल तो सही है। ये देखो गाइस, आप लोग पहले देखो यहाँ पे, मैं पहले ट्रेड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चार आयरन से दे रहा है एक एमरेट, ओके सही है। एंड ये भी कुछ आर्मर्स दे रहा है, आयरन हेलमेट दे रहा है तीन पे, यार लेना तो पड़ेगा क्योंकि ये जो आर्मरर है इसको हमें मैक्स आउट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें मिलेगा बहुत खतरनाक लेवल का आर्मर। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे फाइनली बहुत ही खतरनाक वाला मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ। एंड यहाँ ये जो है ना थोड़ा बहुत अपग्रेड हो रहा है, यहाँ पे देखो तीन का एक एमरल्ड आयरन, तीन आयरन का। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग आयरन को लेके आते हैं, यहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैंने ले लिया सारे के सारे आयरन, अभी करते हैं इसको स्टॉक आउट। गाइस फाइनली इसको फुल्ली मतलब हो चुका है, मतलब अभी देखो यहाँ पे ना जितने भी सामान है सारे के सारे मैं चेस्ट पे एकदम ठीक ठाक करके रख देता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट से रख देते हैं। तो गाइस फाइनली हमने रख दिया है, एंड यहाँ पे हम लोग के काम कर लेते हैं कि ये वाला जो विलेजर्स है, नहीं कहाँ क्या, ये रहा वो विलेजर्स। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे फाइनली ये थोड़ा सा मतलब जो है आर्मर दे रहे देना स्टार्ट कर चुका है, तो ये धीरे धीरे करके डायमंड का आर्मर देगा। एंड उससे पहले रात हो रहा है, एक काम करते जल्दी से हम सो जाते हैं, एंड उसके बाद हमारे स्टेट माइनिंग में चलते हैं, एंड थोड़ा और कोल माइन करके लेके आते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से मैं सो जाता हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा सा पिकैक्स तो है, चलो पहले सो जाओ। ओके गाइस फाइनली सुबह हो चुका है, एंड अभी चलते गाइस कोल माइन करने। ओके लेट्स गो गाइस, हम लोग हमारा स्टेट माइन कहाँ गया, मैं भूल गया वे यार। ओके स्टेट माइन इधर है, मैं हाथ पे टॉर्च पकड़ लेता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा है। ओके गाइस, तो चलो जितना हो सके उतना मैं कोल इकट्ठा करूँगा, एंड साथ में मैं थोड़ा सा आयरन और स्टिक ले लिया है पिकैक्स बनाने के लिए। ओके हम लोग को पहले ही मिल चुका है कोल, तो चलो फटाफट से कोल माइन कर लेते। फाइनली मेरे को बहुत सारा कोल मिल चुका है, एंड अभी इस लोगों के साथ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब चलो गाइस अभी करते हैं ट्रेडिंग। एंड यहाँ पे देखो भाई ये क्या दे रहा है, तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे डायमंड का जो है स्वर्ड मिल चुका है, मैंने यहाँ पे ले भी लिया है, और ओए एमरल्ड चला गया मेरा, एमरल्ड दे दो। ओके तो गाइस यहाँ पे अभी देखते इनको, ओ भाई, तो गाइस फाइनली आर्मर दे रहा है यार फाइनली। तो गाइस चलो हम फटाफट से ट्रेड कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग पहले नीचे जाके जो भी सामान है उसको रखते हैं। एंड अभी गाइस फटाफट से हम लोग एक्स एक्स खरीदना चाहिए, नहीं चलो एक्स पहले नहीं खरीदेंगे, पहले हम लोग इसके, अबे कहाँ गया ये रहा, पहले हम लोग ना सारे के सारे आर्मर को खरीद लेते हैं। पहले हम लोग खरीदते हैं चेस्ट प्लेट को, तो कहाँ गया ये रहा चेस्ट प्लेट, और अभी खरीदते हैं हमारे हेलमेट को, एंड ये रहा हमारा हेलमेट। एंड यहाँ पे अभी हमारा पैंट को भी खरीद लेते भाई, मतलब आप सोचो बिना माइनिंग के पूरा आर्मर, मतलब जस्ट कोल माइन करके हमें मिल गया है, और ये रहा गाइस हमारा पूरा आर्मर मिल चुका है। तो गाइस अभी चलो फटाक से मैं पैंट के भी दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसे लग रहा है। तो ये गया चेस्ट प्लेट, और ये गया लेगिंग्स, और ये गया बूट्स। गाइस फाइनली गाइस हम लोग फाइनली पूरे डायमंड के हो चुके हैं, ये देखो भाई, बताओ गाइस कैसा लग रहा है भाई साहब, क्या ही बताओ, मतलब क्या ही है। ओके तो बेसिकली आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्या बोलते हो, क्योंकि अबे यार विलेजर्स लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सो चुका है। ओके गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, एंड जल्दी मैं लेके आऊँगा और भी सारे सारे इंटरेस्टिंग माइनक्राफ्ट के मोड्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते जाते डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना। एंड इस वाले वीडियो थोड़ा अजीबोगरीब है क्योंकि हाँ हर टाइम की तरह मेरा भी इस टाइम पे भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका जो वॉइस ओवर है थोड़ा सा उल्टा सीधा है, बट चलो गाइस कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।